भी तो बांग्लादेशी हो। बांग्लादेशी है हम लोग, अभी भी कहलाता है जी तुम लोग बिहारी हो। कोई मगरिबी में चले गया, कोई मशरकी में आ गया, आज हम लोग यहाँ आके बर्बाद हो गए। जैसे बंगाली जैसा नागरिक है एक नंबर पर, तो हम लोग को तीसरा नंबर पर नागरिक रखा जाता है अभी भी। तो आज की कहानी शुरू होती है जब मैं ऐसे ही रैंडमली ढाका के सड़कों में वॉक कर रहा होता हूँ। आई हियर सम पीपल स्पीकिंग हिंदी, तो मैं उनके पास जाता हूँ और पूछता हूँ, सर इंडिया में कहाँ से हो? और वो मुझे रिप्लाई करते हैं, सर हम बांग्लादेशी हैं। तो मैंने सोचा, भाई बांग्लादेशी लोग आपस में हिंदी में बात करते हैं। एंड मैंने क्यूरियसली पूछा, फिर आप हिंदी क्यों बोल रहे हो सर? एंड वो फिर मुझे बोलते हैं, सर हम बिहारी हैं जो बांग्लादेशी है, और हमारी भाषा बंगाली नहीं हिंदी है, और हमारे परदादा इंडिया से हैं। इनिशियली तो मुझे कुछ समझ नहीं आता, पर धीरे धीरे कुछ ना कुछ समझ आ जाता है। और उसके बाद मुझे पता चला एक ऐसे कम्युनिटी के बारे में जिसने मुझे इतना क्यूरियस कर दिया कि हर टाइम की जैसे हम चले आए उन्हीं के इलाके में उन लोगों से मिलने, जिससे कि मैं उनके बारे में और अच्छे से जान पाऊँ। वेलकम टू माय चैनल एवरीवन, माय नेम विष्णु और आप लोग देख रहे हो मेरा चैनल वंडरिंग मैनिएक। तो गाइस फिलहाल हम लोग यहाँ पे काफ़ी एक डिफरेंट लोकेशन में, जैसे मेरे आसपास के आप लोकेशन देख सकते हो। फिलहाल गाइस हम लोग जेनेवा कैंप में, जो कि वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट बिहारी रेफ्यूजी कैंप है, जहाँ पर इंडिया से काफ़ी सारे लोग पार्टीशन के टाइम पे आए हुए थे और यहाँ पे वो लोग काइंड ऑफ अटके हुए हैं। यहाँ पे लोगों को अटका हुआ बिहारी बोलते हैं, अलग अलग किस्म के नाम बोलते हैं, जो फिलहाल अभी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो ये फिलहाल लोकेशन में देख सकते हो आप लोग, ये है यहाँ पे जेनेवा कैंप, जहाँ पे मैक्सिमम लोग उर्दू बोलते हैं। कैसे हो सर? आप लोग उर्दू समझ लेते हो? जी जी, हम लोग उर्दू बात ही करते हैं भैया। क्या क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद जाहिद है। जाहिद, एक्चुअली काइंड ऑफ ये कैंप है जहाँ पर लोग रहते हैं, और काइंड ऑफ स्लम भी बोल सकते हो आप लोग, और मैक्सिमम लोग यहाँ पे उर्दू समझते हैं और बोलते भी हैं। एक्चुअली उर्दू नहीं बोलते यहाँ पे लोग, बिहारी जो बिहारी भोजपुरी एक्सेंट है वो मैक्सिमम लोग यहाँ पे बोलते हैं। तो अब मेरे साथ ये सर है, सर आपका नाम? सर मेरा नाम अब्दुल अजीज। अब्दुल अजीज, ये सर मुझे हेल्प कर रहे हैं एक्चुअली यहाँ पे, जो हेड ऑफिस है। हेड ऑफिस, कैसे हो सर? बढ़िया। तो सर यहाँ पे ये बच्चे लोग पढ़ाई करते हैं, स्कूल वगैरह जाते हैं? स्कूल वगैरह है, बहुत कम है। अच्छा कम है? कम है। अच्छा यहाँ ज़्यादा ज़्यादा स्कूल कम है। अच्छा, तो ये बच्चे पढ़ाई नहीं करते अभी? मतलब पढ़ते हैं कुछ। अच्छा, मैंने आधा पढ़ते आधा खेल कूद ज़िंदगी गुजारते। अच्छा, तो यहाँ पे देख सकते हो भाई, ये यहाँ पे स्लम। सलाम वालेकुम, बढ़िया। तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं अजय सर, सारे यहाँ पे हिंदी और उर्दू समझ लेते हैं? सब हिंदी बोलने वाले हैं। सब हिंदी बोलने वाले हैं? हिंदी वाले हैं। हाँ, एक्चुअली देखा जाए तो यार, सही बताऊँ तो पार्टीशन ने यार बहुत बहुत तबाही मचाई है, सभी को पता है। और मैक्सिमम जितने भी यहाँ पे बिहारी लोग हैं, आई थिंक यूपी से भी लोग हैं काफ़ी सारे लोग, जो यहाँ पे आए थे पार्टीशन के टाइम पे, 1971 के टाइम पे। और पहले तो ये ईस्ट पाकिस्तान था। और यहाँ पे देख सकते हो यार, यहाँ पे उर्दू गाना सुन, हिंदी। ये कौन सा गाना है सर? कहाँ का गाना है ये? हाँ, मोहर्रम की नाद है। मोहर्रम का? अच्छा, तो यहाँ पे हिंदी गाने सुन रहे हैं, यहाँ पे उर्दू गाना है शायद ये मोहर्रम का। सलाम वालेकुम सर, कैसे हो? आप उर्दू समझते हो? जी जी जी, हम तो हैं तो महाजिरों में से है ना। अच्छा, मतलब आपके दादाजी लोग थे, वो लोग कहाँ से थे? इंडिया से थे? हाँ, इंडिया से थे। इंडिया से कहाँ पे? इंडिया दानापुर में। दानापुर बिहार? हाँ, बिहार के बगल में था। हाँ हाँ हाँ, राइट। आपके भी? आपका नाम? मोहम्मद कासिम। कासिम, जब वो 1947 में जब आए, हाँ, तो जीना साहब का बोला हुआ था, जो मुसलमान है, हाँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाला जो है, वो मशरकी पाकिस्तान में रहेगा, मगरबी पाकिस्तान में। हाँ, इस वजह से यहाँ चला आया था। वहाँ तो हिंदू का बहुत जुलूम सहना पड़ता था, हिंदू का भी अगर चार लड़का था, हम मुसलमान हो तो उसको कत्ल कर दिए। अच्छा, वो भी जब चांस पाता था तो मेरे बच्चों को भी कत्ल कर देता था। मतलब जो खून खराबा का जरूरत नहीं है, तो मशरकी पाकिस्तान में चले आए, कोई मगरिबी में चले गया, कोई मशरकी में आ गया। आज हम लोग यहाँ आके बर्बाद हो गए,
अच्छा आप बर्बाद क्यों हो गए हो, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? आप बर्बाद कर चुका ना ये लोग हमारे अच्छा। तन बेतन में हमारा घर बाड़ी मेरा जो जुबान था पढ़ाई लिखाई जो मेरा प्रॉपर्टी था सब इन लोगों ने ले लिया। अच्छा तो फिर आज हम रानी दरगाह हो गए ना। 8 फीट रूम में 8 फीट का घर पे है उसमें 7 जून 8 जून रहता है उसी अच्छा। में बीवी बच्चा लड़का बच्चा ना उसमें शरीयत कायम है ना अल्लाह रसूल का कायम है जो कि नज़र तो बहुत खराब चीज होता है ना। नारायणगंज में 225 फैमिली का घर बाड़ी तोड़वा दिया गया वहाँ का कोई कानून दायरा में जो है वो लोग कोई नहीं सुना तो घर बाड़ी तोड़ दिया गया वो लोग रास्ता में रह रहे 225 फैमिली। अच्छा इसके बारे में आप जरूर बोल दीजिए तो नारायणगंज में 200 फैमिली 225 फैमिली का राले दरगाह वो लोग संडास में जी रहे। सारा मसला सारा जबान का ये बोल रहे हो आप? जबान का भी है और बंगाली और बिहारी का तो कोई सवाल नहीं वो मुस्लिम हम भी मुस्लिम देखिए वो बंगाली जब 1971 के आगे कैसा था और हमने कैसा था जब वो हो गया जब उसका मुल्क हो गया तो देखिए वो कैसा जी रहा तो वो भी तो अल्लाह का इंसान है ना बंदा सही बात है। हम भी बंदा देखिए हम लोग का लड़के बच्चे कैसे जी रहे हैं वो लोग को तरस नहीं आते हम लोग उनसे तो बगावत नहीं करते भाई वो भी मुसलमान है वो भी इंसान है अल्लाह का बंदा पर हम लोग से वो लोग इतना बुझ रखता है कुछ रखता है जाज हमारे बच्चे का नौकरी नहीं कोई सलाह नहीं है कहीं पर वो भी पढ़े लिखे हम भी पढ़े लिखे वो बीबी है पास हम भी बीबी है जो बुरा निगाह से देखता बुरा निगाह से देखता हमारे घर बाड़ी पूरे बांग्लादेश में मशरकी पाकिस्तान था अभी बांग्लादेश है पूर्व बांग्ला में क्या हम लोग का प्रॉपर्टी नहीं था बहुत प्रॉपर्टी था 68,000 ग्राम के अंदर में हमारा प्रॉपर्टी महाराज कहाँ गया आपको तो अल्लाह ही ने बोला कि आप देश ले लिया मुल्क ले लिया मेरा सामान ले लेंगे आप पैसे छीन लेंगे ऐसा तो नहीं हो सकता ना। यहाँ फिलहाल सारे लोगों ने घेर लिया यहाँ पे देख रहे हो आप लोग और ये गाइस यहाँ पे जिनेवा कैंप की हालत यहाँ पे एक्चुअली मैक्सिमम लोग काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है किसको भी आप सवाल करोगे यहाँ पे तो दिल खोल के आप लोगों को वो लोग चीज़ें बताएंगे और एक्चुअली काफ़ी परेशानी से जी रहे हैं आप लोग यहाँ की सिचुएशन देख सकते हो और सिचुएशन देख के समझ सकते हो आप कि यहाँ पे कैसी लाइफ होगी लोगों की। यार ये भी इंसानी है ये भी एक टाइम पर आए थे यहाँ पर पार्टीशन करके और यहाँ पर जो ट्रीटमेंट मिलती है वो काफ़ी दर्दनाक है गाइस जो आप लोग यहाँ पर फ़िलहाल देख सकते हो। एक नंबर बिरयानी कमाल बिरयानी कमाल बिरयानी अच्छा बिरयानी का ये बोर्ड है। अच्छा क्या चीज़ है ये फेमस है ये फेमस क्या है बिरयानी का अच्छा कमाल बिरयानी तो यहाँ पे कमाल बिरयानी बोल रहे हैं तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों के लोकल बिजनेस है स्वीट के शॉप्स हैं यहाँ पे। वाह हर जगह यहाँ पे यार मेरे को हिंदी उर्दू गाने सुनने को मिल रहे हैं नॉर्मली मुझे बंगाली गाने सुनने को मिलते हैं बट यहाँ पे सारे लोग बोल भी रहे हैं उनकी ज़बान भी उर्दू है बिहारी टोन तो भोजपुरी होती है और गाने वगैरह कैसे हो भाई साहब कैरियर से हो कैसे हो सर बढ़िया कैरियर से हो आपका इंडिया से सॉरी कैरियर से हो सर इंडिया से आए हैं इंडिया से आप लोग के दादाजी कहाँ से थे रोजीपुर ये किधर पड़ता है ये पड़ता कटिहार शरीफ जो स्टेशन है ना। अच्छा बिहार बिहार में है अच्छा वहाँ का रहने वाले मेरे दादा लोग ठीक है सर तो यहाँ पे ये भी भाई साहब बिहार के बोल रहे हैं और एक्चुअली देखा जाए तो यहाँ पे बस एक बिहार स्टेट से नहीं आए हुए लोग हैं यहाँ पे यूपी से भी आए हुए लोग हैं और कलकत्ता से भी आए हुए लोग हैं कलकत्ता से जो आए वो तो बंगाली हैं बट यहाँ पे जो बिहार यूपी से आए हैं वो लोग यहाँ पे हिंदी बोलते हैं और उसी चीज़ की यहाँ पे सबसे ज़्यादा इशू है लैंग्वेज की। तो यहाँ पर 25 साल तक रहा पाकिस्तान अमन में अच्छा हिंदुस्तान से आया था सही हिजरत करके तो वो लोग जो कुछ बिहार पटना कलकत्ता से आया था यूपी से भी आए थे लखनऊ से बरेली से बहुत सा सही बात माने हर मिला के यूनिटी यहाँ आया था सुकून के लिए माने जहाँ हिंदू तादाद में ज्यादा था प्रॉब्लम होता था वो जगह छोड़ के हिजरत करके इधर आ गए और फिर यहाँ से जब स्वाधीन हुआ ना 71 यहाँ नहीं 71 से पहले 65 में तो जब पाकिस्तान बना गया पाकिस्तान 47 बना था 1971 में 71 में उस वक्त जो यहाँ से कुछ लीडर जाकर वहाँ ऐलान किया कि हम लोग पाकिस्तान बना लिए जो मुसलमान रहना चाहता है तो कुछ पश्चिम किया कुछ इधर आया उसी में से हम लोग का भी बाप दादा लोग आया था लेकिन मेरे दादा फिर वापस चले गए
मेरे अब्बा यहाँ फंस गए। आपके दादा पाकिस्तान चले गए? नहीं, हिंदुस्तान। हिंदुस्तान चले गए। मेरे अच्छा। दादा और छह चच्चा सात चच्चा वो लोग सब चले गए। लेकिन हम लोग का यहाँ पर जो है, हम लोग का आज भी खराब नज़र से देखा जाता है। खराब नज़र से मतलब कैसे, आप समझा सकते हैं? जिससे हम लोग को देखा जाता है कि हम लोग एक देश से आया, हम लोग पाकिस्तान को सपोर्ट करके आया, अब पाकिस्तान के अमल में आया और ये तो पाकिस्तान चेंज हो गया, अब ये बांग्लादेश हो गया। तो इसमें कसूर तो हम लोग का नहीं था, बंगाली के साथ, यानी बांग्लादेशियों के साथ और पाकिस्तानियों के साथ सियासी तौर पर झगड़ा लगा। तो इसलिए बिहारी लोग सोचे ये सियासी लड़ाई हो रहा है, ठीक हो जाएगा। लेकिन इत्तफाक से इसी दरमियान में स्वाधीन का घोषणा हो गया। अब ये होने से तो हम लोग फंस गए ना, क्योंकि हम लोग सपोर्ट पाकिस्तान को कर रहे थे, हुकूमत था उसका। आज जैसे बांग्लादेश है तो बांग्लादेश का सपोर्ट में हमें, सही बात, आवामी लीग सरकार आवामी लीग का सपोर्ट में है, बीएमपी आ गया तो हम उसके सपोर्ट में भी रहे, क्योंकि हम तो एक मजलूम आदमी। तो यही मसले पे हम लोग आज तक फंसे हुए। अब पाकिस्तान 71 के बाद ये लोग चला गया, ये लोग अब बोलता है कि ये मेरा आदमी नहीं है क्योंकि ये तो हिंदुस्तान से आया था, और बांग्लादेश बोलता है कि ये तो हमको कबूल नहीं किया भाई, ये हम लोग का नहीं है, ये तो उर्दू बोलने वाला। तो उर्दू जबान की वजह से हम लोग फंसे। हम लोग रिफ्यूजी हिसाब से जीते हैं, लेकिन अभी जो जवान है जैसे ये इनसे पूछो तो ये बांग्लादेश को कबूल करता, लेकिन बांग्लादेश सियासी तौर पर अब तक हम लोग को ना माफ़ी दिया है ना इसको कबूल करता। लेकिन हम लोग जो अभी कैंप में रहते ना, हम लोग को जैसे बंगाली जैसा नागरिक है एक नंबर पर, तो हम लोग को तीसरा नंबर पर नागरिक रखा जाता है। अभी भी अच्छा। हम लोग कोई एक नंबर पे नागरिकता नहीं। जब लोगों से बात करते हैं यार, सच्ची पर्सनली बहुत बुरा लगता है यार, क्योंकि यहाँ के लोग नहीं डिजर्व करते यार, जो भी यहाँ पे लोग जो हाँ जी भाई, तो क्योंकि यार यहाँ के लोगों का तो कोई गलती है नहीं, यहाँ पे जो भी इनकी सिचुएशन है यहाँ पे, वो लोग तो यार पार्टीशन के टाइम पे आए थे पाकिस्तान में रहने के लिए, बट बाद में वो पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया, उसके बाद फिर जितना भी लैंग्वेज का इशू है वो पूरा शुरू हुआ, और उसके लिए यहाँ के लोकल लोग तो बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं है मेरे हिसाब से। खैर ऐसे सर, ये गाना बड़ा अच्छा लगा तो मैं यहाँ पे आ गया रिकॉर्ड करने के लिए, मैं इंडिया से आया हूँ, इंडिया से। तो आप लोग सारे यहाँ पे उर्दू हिंदी गाना सुनते हो? यहाँ पे लोग बच्चों के लिए खेलने के लिए जगह है सर? ना, कोई जगह नहीं है। तो बच्चे यहाँ पे रोड में ही खेलते हैं? यहाँ पे भी खेलते हैं। अच्छा, तो जितने भी बच्चे हैं खेल कूद करने के लिए यहीं पे सारे बच्चे खेलेंगे? कोई ग्राउंड वगैरह नहीं है यहाँ पे? ग्राउंड नहीं है। अच्छा, आज तंगी हालत से लोग रोडों पे रहते हैं। सही बात, बनाए हुए हैं, सही बात, बनाए हुए तंगी हुए वैसे जगह नहीं है। ये घर है इनका? ये घर है। अच्छा, यहाँ पे रहते हैं। तो यहाँ पे एक लोकल लोग घर में आए, यहाँ पे ऊपर रहते हैं वहाँ पे लोग? अच्छा अच्छा अच्छा, तो ऊपर आप लोग रहते हो, नीचे आप लोग का ये? अच्छा दुकान नीचे ऊपर। अच्छा, और आप लोग के दादाजी कहाँ से थे? इंडिया से थे? कहाँ पे? बिहार? अच्छा, नाना से पाकिस्तान से। अच्छा, पाकिस्तान से। तो आपके रिश्तेदार पाकिस्तान में भी है? पाकिस्तान में भी, इंडिया में भी है। इंडिया में भी है? अच्छा, इंडिया आना जाना होता है? अच्छा, तो यहाँ पर मेरे को एक भाई यार अपने घर की तरफ लेके जा रहे हैं, और यहाँ पर देख सकते हो यार, यहाँ पे शायद अभी फ़िलहाल मुहर्रम का टाइम आ रहा है शायद, इसीलिए इतना सजाया हुआ है पूरा, यहाँ पे लाइट वगैरह लगाया हुआ है। बिहार? बिहार में किस जिला? पटना। बिहार? पटना, नानापुर। तो आप लोग भोजपुरी बोल लेते हो? हाँ, भोजपुरी नाना लोग बोलते हैं। अच्छा अच्छा, पर यहाँ पे मैक्सिमम जितने भी लोग हैं सारे लोग उर्दू जबान से हैं। यहाँ पे जो बच्चे हैं, बच्चों की पढ़ाई के लिए यहाँ पे कुछ किया जा रहा है? नहीं। अच्छा, यहाँ पे स्कूल वगैरह जाते हैं बच्चे? नहीं, स्कूल वगैरह जाते हैं किंतु नागरिक को सुविधा नहीं मिलता। नागरिक सुविधा मतलब समझा नहीं मैंने। जो अधिकार है होता अच्छा, कोई सुविधा अच्छा हम लोग के पास नहीं है। अच्छा, जो ये सब बंगाली लोगों के पास है, बंगाली का सरकार है। हाँ। हम लोग बिहारी के लिए उतना सुविधा नहीं किया। पर आप भी तो बांग्लादेशी हो? बांग्लादेशी है, हम लोग अभी भी कहलाता है जे तुम लोग बिहारी हो। अच्छा, हम लोग बांग्लादेशी है, बांग्लादेशी का नागरिक भी हो चुके हैं। अच्छा, फिर भी हम लोग का उतना दाम नहीं है। आप लोग का रिश्तेदार अभी भी इंडिया में है? और इंडिया में भी है या पाकिस्तान में भी है? नहीं है, इंडिया पे है। मैक्सिमम यहाँ आदमी इंडिया के है। अच्छा, वो आठ का बड़ा पाकिस्तानी बोलते बुआ। अच्छा, वो पाकिस्तानी बस बोलने के यही लिए। पाकिस्तान तो है, यही बांग्लादेश है। सही बात, इस युद्धों के बाद नाम बदला है, पूर्व पाकिस्तान पश्चिम पाकिस्तान। सही बात, बस यही बात है। इस पे
मेरी नस्ल तो कोई नहीं जानता, मैं ही नहीं जानती तो मेरा नस्ल क्या जानेगा। बिहार से? दादाजी बिहार, छोटा बलिया से। बलिया से? जी छोटी। अच्छा अच्छा, यहाँ पे जितने भी लोग हैं सारे अब भोजपुरी बोल लेते हो आप? नहीं भोजपुरी नहीं पर उर्दू सारे बोल लेते हैं यहाँ पे, मैक्सिमम ही सभी से समझ जाते हैं। अरमान। अरमान आपका नाम? प्रेम। प्रेम, अच्छा पूरा नाम क्या है आप लोगों का? प्रेम, मिस्टर प्रेम। मिस्टर प्रेम जब मैं आया था सारे लोग बोल रहे थे कि यहाँ पे यार देख के रहने के लिए थोड़ा अनसेफ रहेगा और चीज़ें छीन मिल लेते हैं यहाँ पे, बट यहाँ पे आने का तो पता चल रहा है यार काफ़ी फ्रेंडली लोग हैं यार यहाँ पे। और जैसे ही मैं यहाँ पे मेरे कैमरा में हिंदी में बोल रहा हूँ तो सारे लोग ज्वाइन भी कर रहे हैं मेरे को।